यह बात उस स्टूडेंट के लिए कितने बड़ी सौभाग्य की बात होगी जो विद्यार्थी उस वर्ष में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो और प्रवेश परीक्षा से लगभग एक डेढ़ महीने पहले NIRF के रैंकिंग में वो विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार टॉप थ्री में हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज ही यानी कि 11 जून 2020 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने लगातार चौथी बार तीसरे पायदान पर रहते हुए अपना परिचय दिया है, अपने आप को चरितार्थ किया है। चलिए विस्तार से बताते हैं क्या सारी चीजें हैं और NIRF होती क्या है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं और बाकी चीजें। वैसे तो NIRF की रैंकिंग हर साल मार्च के महीने में ही जारी की जाती है, लेकिन इस साल COVID-19 पैंडेमिक के चलते इस चीज को पोस्टपोन किया गया था और कल बहुत सारे अंग्रेजी न्यूज पोर्टल ने ये सूचना जारी की कि आज यानी कि 11 जून को NIRF की रैंकिंग आएगी। मैं भी बड़ी उम्मीद में था कि जिस विश्वविद्यालय ने मुझे इतना कुछ दिया है, जहां का मैं अलमनाई रहा हूं, उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो रैंकिंग है, अच्छे जगह जरूर होगी। और अपने आप को यह साबित कर दिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने लगातार चौथी बार कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाकई हिंदुस्तान के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। NIRF के रैंकिंग में चार चीजें मुख्यतः इंक्लूड की जाती है, जिसमें टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स और चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि अपने रिसोर्सेस को या अपने फैसिलिटीज को स्टूडेंट तक किस तरीके से वो विश्वविद्यालय पहुंचा देता है, ये बड़ी बात है। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का विषय है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी NIRF के रैंकिंग में चौथी बार लगातार तीसरे पायदान पर रहते हुए अपने आप को साबित किया है कि यहाँ की गुणवत्ता हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कैंपस हो, यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी की बात हो या बाकी टीचिंग या रिसर्च प्रोग्राम्स हो, सब चीज में ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लगातार पांचवी बार पहले नंबर पर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है, पिछली बार भी रैंकिंग यही थी, और तीसरे नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 जून 2020 को फाइनली इसे रिलीज किया है। आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और हिंदुस्तान में जितने तरह के भी विश्वविद्यालय होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, मैनेजमेंट के हो, फार्मेसी के हो, लॉ के हो, इसके अलावा डेंटल, आर्किटेक्चर, मेडिकल या अदर ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात हो, सबकी अलग अलग रैंकिंग आती है और ये बहुत ही ऑथेंटिक एक तरीके का रैंकिंग का विषय है, जहां पर विद्यार्थी इस चीज को जान सकते हैं। तो ये वीडियो खास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उन सभी स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए था जो गौरवान्वित हों इस विषय पर कि उनका विश्वविद्यालय लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है और उन्हें भी उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर तरीके से भरपूर कोशिश करनी होगी कि जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, हमेशा अच्छा करें और कल को प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएं तो हमेशा अच्छा करें, ताकि जब विश्वविद्यालय उनका नाम कहीं भी उनका नाम जोड़े तो ये कहने में या ये सुनने में उनको प्राउड महसूस होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि यस, आई एम द एलमनाई ऑफ दिस ग्रेट यूनिवर्सिटी। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें।
ताकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स जान पाएं कि बीएचयू ने लगातार चौथी बार अपने नाम को चरितार्थ किया है, अपने काम को चरितार्थ किया है और उसी तरीके से बुलंदी बनी रहे, यही महामना की कामना है और हम सभी की होनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन।